हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं टेक जंक्शन में, जहां पर टेक्नोलॉजी की बात होती है, इनोवेशन की बात होती है और हर उस चीज़ की बात होती है जिससे आपकी ज़िंदगी और ज़्यादा आसान और बेहतर हो जाए। दोस्तों, आज मोटोरोला लाने वाला है अपना सबसे सस्ता 5G फ़ोन, जिसमें है इंडिया का पहला स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर। आज हम बात करेंगे इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन, फीचर्स के बारे में और इसकी प्राइसिंग के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे आने वाले टेक वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और भाई, वीडियो को भी लाइक कर देना, बाद में तो आप भूल जाओगे, इसलिए पहले ही कर दो। तो दोस्तों, मोटरोला आज लेकर आ रहा है G71 5G मोबाइल फ़ोन, जिसकी डिस्प्ले उसने 6.4 इंच रखी है, जो कि फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले है। साथ ही उसने दिया है 5000 mAh की बैटरी और इसको चार्ज करने के लिए दिया उसने 33 वॉट का चार्जर। साथ ही ये फ़ोन नियर स्ट्रोक एंड्रॉयड है, मतलब फ़ोन के अंदर आपको अनवांटेड एप्स, जो फालतू के ऐप्स फोन के अंदर भरे रहते हैं, वो कम देखने को मिलेंगे। साथ ही ये फ़ोन IP52 वाटर प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अगर मान लो बारिश की कुछ छींटे पड़ जाए इस फ़ोन के ऊपर, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं, ये फ़ोन सेफ रहेगा। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मोटोरोला अपने ज़्यादातर फ़ोन जब भी बनाता है तो उसमें IP68 वाटर प्रोटेक्शन देता है, लेकिन ये पहली बार है मोटोरोला ने IP52 पर वाटर प्रोटेक्शन दे रखी है। ये फोन डुअल 5G फ़ोन है, जो कि ग्लोबली 13 5G बैंड के साथ में काम करेगा। मोटो ने इसकी ब्राइटनेस 700 निट्स के अराउंड रखी है। अगर इसकी पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो इसके अंदर 409 PPI की डिस्प्ले मिलेगी आपको। वैसे मोटोरोला अपने फ़ोन में 500 प्लस PPI भी दे चुका है कभी पहले, 3-4 साल पहले, जब 3G या 4G फ़ोन आया करते थे, जैसे कि मोटोरोला का मोटो टर्बो एडिशन आया था, और 400 प्लस की पिक्सल डेंसिटी बहुत ही अच्छी मानी जाती है। और ये फ़ोन थिंक शीट की मोबाइल प्रोटेक्शन के साथ में आता है। अगर कैमरा सेटअप की बात करें तो इसमें रियर में 3 कैमरा दिए गए हैं। पहला 50 MP का क्वेड पिक्सल टेक्नोलॉजी के साथ में कैमरा है, दूसरा 8 MP का अल्ट्रा वाइड विद डेप्थ सेंसर के साथ में कैमरा लगा है, और साथ ही इसके डेप्थ सेंसर की वजह से ये लो लाइट में भी बहुत बढ़िया पिक्चर क्लिक करने के कैपेबल है। और इसमें फ्रंट कैमरा 16 MP का लगा है। अगर कैमरा अपर्चर की बात करें तो रियर में जो कैमरा लगा है 50 MP का, उसका अपर्चर f1.8 है, और जबकि फ्रंट में जो 16 MP का कैमरा लगा है उसका अपर्चर f2.2 है। मतलब रियर कैमरा लो लाइट में फ्रंट कैमरा से ज़्यादा कैपेबल है अच्छी फोटो क्लिक करने में। और एक ज़रूरी बात, अगर आप कैमरा लवर है तो मैं आपको बता दूँ, इस फ़ोन के अंदर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट नहीं है। अगर आप रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप उसे 30 FPS और 60 FPS में रिकॉर्ड कर पाएंगे 1080p। अगर आप फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आप कर पाएंगे सिर्फ 30 FPS पर। इस चीज़ ने थोड़ा डिसअपॉइंट कर दिया है, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग तो होनी ही चाहिए। अब इसके लुक और डिज़ाइन की बात करूं तो वो बहुत ही बढ़िया है, शानदार है। मोटोरोला ने इसमें 3.5 mm जैक दिया हुआ है, सी टाइप की चार्जिंग सपोर्ट है। इसके लेफ्ट साइड में कोई बटन नहीं दिया गया, सिर्फ सिम स्लॉट दिया गया है। राइट साइड में अप एंड डाउन वॉल्यूम कीज़ हैं और पावर बटन है। और ये फ़ोन आपको 2 कलर में मिलने वाला है, एक है नेपच्यून ग्रीन, दूसरा है आर्कटिक ब्लू। और स्टोरेज और रैम की बात करें तो कंपनी ने इसकी रैम 6GB रखी है और स्टोरेज 128GB रखी है। इसके अलावा कंपनी ने इसके अंदर 2GB का रैम बूस्ट भी दिया है। बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, कंपनी ने इसकी प्राइस 18,999 रुपये रखी है, यानी कि 18,999 रुपीज़। तो दोस्तों, ये मुझे थोड़ा सा ओवर प्राइस लग रहा है, क्योंकि आपको सिर्फ स्नैपड्रैगन 695 मिल रहा है। हालांकि 5G प्रोसेसर है, ये अच्छी बात है, लेकिन इस प्राइस सेगमेंट में इससे भी बढ़िया प्रोसेसर वाले फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। आप इस बारे में क्या कहते हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही, और जल्दी ही आपसे बात करूंगा मैं Vivo V23 Pro 5G फ़ोन के बारे में। बस थोड़ा सा इंतज़ार हो, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।